नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रो नागल। और आज के वीडियो में एक बहुत ही यूजफुल, हर घर में यूज होने वाला अगारो ब्रांड का यह रीजेंसी इलेक्ट्रिक मोप क्लीनर बहुत ही यूजफुल है। पहले इसकी इंस्टॉलेशन आपको बता देते हैं, उसके बाद इसको कैसे यूज किया जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने घर में, ऑफिस में, किचन में, कहीं भी आसानी से इससे मोपिंग की जा सकती है। यह इसकी मेन यूनिट है जिसमें नीचे दो मोप दी गई हैं, जिनको आसानी से आप अलग करके इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें एक ढक्कन दिया गया है, यहाँ से पानी डाला जाएगा। पानी का फुहारा यहाँ से निकलता है, जिसको आप हैंडल पर दो बटन दिए गए हैं, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और बैक साइड में चार्जिंग के लिए पोर्ट दिया गया है, साथ में चार्जर है, काफी लेंथी इसकी लीड है। और इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए हैंडल के साथ जो लीड दी गई है, जिसको आवश्यकता के अनुसार लंबा या छोटा किया जा सकता है। एक्सटेंशन रोड में से वायर को इस प्रकार डालना है। यहाँ पर पुश बटन देख रहे हैं, इसको हल्का सा नीचे दबाना है और इस प्रकार हैंडल एक्सटेंशन रोड के साथ सेट हो जाना है। रोड के दूसरे तरफ जो वायर निकला है, इसको आप देख रहे हैं, और मेन यूनिट के साथ कनेक्टर दिया गया है, इस कनेक्टर को अटैच कर देना है और एक्सटेंशन रोड को मेन यूनिट के साथ उसी प्रकार से अटैच कर देना है। जैसे यहां पर भी देख रहे हैं, एक पुश बटन है, इसको दबाना है और इस प्रकार मेन यूनिट, एक्सटेंशन रोड और हैंडल तीनों अटैच हो गए हैं। और इस प्रकार अगारो ब्रांड का यह इलेक्ट्रिक मोप क्लीनर यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्वालिटी की यदि बात करूं तो जो इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी है बहुत अच्छी है, और जो नीचे मेन यूनिट के साथ दो मोप पैड दिए गए हैं और दो मोप पैड एक्स्ट्रा कंपनी ने दिए हैं। जब भी कभी यह मोप पैड खराब होंगे तो आप इनका यूज कर सकते हैं। इनको रिलीज करना आसान है और इनको लगाना भी बहुत आसान है। मेन यूनिट में वाटर फिलिंग करने के लिए यह मेजरिंग कप दिया गया है, एक कप या दो कप वाटर इसमें डालकर जितने भी पानी के स्प्रे की आपको आवश्यकता है, स्प्रे यहाँ से होगा। और दोस्तों, यदि आप इसके एक्सटेंशन रोड को और भी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ट्रिगर दबाना है और ऊपर को खींचना है, यानी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जैसा कि आपको अपने बेड के नीचे अंदर तक इसको ले जाना है, तो आप एक्सटेंशन रोड को बढ़ाकर भी दूर तक सफाई कर सकते हैं, और छोटा करना चाहते हैं फिर उसी प्रकार ट्रिगर को दबाना है और इसको छोटा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील की इसकी एक्सटेंशन रोड है। और दोस्तों, इसको रखने के लिए किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, यह अपने बेस पर ही सीधा खड़ा है। और चार्जिंग के लिए मैं आपको दिखा देता हूं कि कितना इसका लोड रहने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चार्जिंग चल गई है और यहां पर रेड इंडिकेटर आ गया है, और मात्र 5 से 6 वाट का इसका चार्जिंग का लोड है, यानी कोई खास लोड इसका चार्जिंग का भी नहीं है और इस समय यह चार्ज हो रहा है। वाओ दोस्तों, अगारो ब्रांड के इस रीजेंसी इलेक्ट्रिक स्पिन मोप क्लीनर को यूज करने में बड़ा मजा तो आ ही रहा है, लेकिन क्लीनिंग भी साथ साथ बहुत अच्छी हो रही है। इसको घर में बच्चे, बूढ़े, कोई भी इजीली यूज कर सकता है, क्योंकि इसमें कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना है, केवल इसका हैंडल आपको पकड़कर रखना है। वाटर स्प्रे की आवश्यकता है तो वाटर स्प्रे वाले बटन को यूज कर सकते हैं। बेड के नीचे, सोफे के नीचे, कुर्सी के नीचे आसानी से कहीं भी इसको इधर उधर चलाया जा सकता है। लाइट वेट है, इसको आप टाइल्स पर यूज कर सकते हैं, वुडन पर यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने में कोई झंझट नहीं है, क्योंकि इसके साथ कोई कोर्ड नहीं है, कोर्डलेस यह क्लीनर है। एडजस्टेबल हैंडल है, इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी एंगल पर करके आप यूज कर सकते हैं। और क्लीनिंग तो आप देख ही रहे हैं, बहुत अच्छी क्लीनिंग इससे हो रही है। वाटर के साथ आप क्लीनिंग मटेरियल या फिनाइल आदि डालकर भी यूज कर सकते हैं। एक साधारण मोप क्लीनर भी यदि मार्केट से आप लेने जाते हैं तो वह भी हमें 1500 से 2000 रुपये तक पड़ जाता है। और यह इलेक्ट्रिक मोप क्लीनर, जिसके अंदर लिथियम बैटरी का यूज किया गया है, बहुत अधिक कॉस्टली नहीं है, 4000 रुपये की कीमत में आसानी से आपको मिल जाएगा। और यदि आपको अच्छा लगता है, आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।